हेलो बच्चों, अपन कर रहे हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स चैप्टर। ठीक है, ये अपन कर रहे हैं बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए, और आज अपन करेंगे वो सारे मेथड स्पेसिफिक टू एल्डिहाइड्स एंड स्पेसिफिक टू कीटोन्स। ठीक है, बहुत सारी नेम रिएक्शंस आने वाली है आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अपन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है, दैट इज रोजेनमन रिएक्शन, दैट इज फ्रॉम एसिल हैलाइड। ठीक है, नेम रिएक्शन, डायरेक्ट नेम रिएक्शन आ जाती है, या फिर बहुत बार आपको रिएजेंट दे दिए जाते हैं और आपको प्रोडक्ट लिखना होता है। तो इसमें होता क्या है, एसिल हैलाइड का जब अपन हाइड्रोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो अपन को मिलता है एल्डिहाइड। तो यहाँ पे ये ग्रुप ध्यान रखने, एसिल क्लोराइड है या हैलाइड है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है अपना एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना है। जो अपना कैटलिस्ट है, मेटल कैटलिस्ट, वो पॉइजन होना चाहिए बेरियम सल्फेट से। ओके, सो बेंजोइल क्लोराइड को अपन ने कर दिया है बेंज एल्डिहाइड में। ये क्वेश्चन खूब बार रिपीट होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर। देन ये दिस इज नेम रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, इसके अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है, नाइट्राइल्स जो है इसको रिड्यूस करा जाता है किसके साथ, SnCl2NHCl, दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, अपने को मिलेगा इमाइन। ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखना, राइट, CH डबल बॉन्ड NH2, और जब अपन इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो अपने को मिलता है एल्डिहाइड। अगेन नेम रिएक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट, स्टीफन रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल के साथ लिखनी होती है। ओके, दूसरा अपन कर सकते हैं नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट बाय यूजिंग डिबाल एच। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखनी है अपने को। ठीक है, यहाँ पे नाइट्राइल्स और एस्टर दोनों को ही डिबाल एच जो है वो कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड के अंदर। ओके, और जब भी ये यूज होता है साथ में वॉटर भी यूज होता है। ठीक है, तो ये देखो नाइट्राइल है, नाइट्राइल को कर दिया एल्डिहाइड में, और ये जो एस्टर है, इनफैक्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेई मेन और जो नीट का एग्जाम है उसके अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चीज देखनी है तुमको, एस्टर के अंदर ये पार्ट जो है, आई यूज अनदर कलर, सो ये जो पार्ट है ये तो अपना कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर, और ये रह जाता है एल्कोहल के अंदर। तो यहां पर देखो, दिस इज कन्वर्टेड इंटू एल्डिहाइड, और ये जो दूसरा पार्ट है वो एल्कोहल के अंदर। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कैसे बन सकता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, स्पेसिफिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अपन कैसे कर सकते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के अंदर कन्वर्टेड। ठीक है, यानी देख लो, अपन को टोलुइन से बेंजाइल्डिहाइड बनाना है, सो वी विल यूज सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो काफी केयरफुली चूज करना होता है। क्यों? क्योंकि टोलुइन से अपने को बेंजाइल्डिहाइड मिला, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो बेंजाइल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड पे चला जाएगा। तो लेट्स लुक एट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट वी कैन यूज। तो सबसे पहला है क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोर्ड्स के व्यू से। क्यों? क्योंकि खूब बार रिपीट हुआ है, डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछ ली गई है। देखो इसमें क्या होता है, अपन ने टोलुइन लिया, मिथिल बेंजीन, CrO2Cl2 लिया, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये क्या है, CHOCROHCl2 होल टूआइस। ठीक है, जेई मेन और नीट के हिसाब से तुमको ध्यान रखना है इंटरमीडिएट क्या बना है। और फिर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने को मिलेगा बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, बोर्ड्स के अंदर तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये लिखा टोलुइन, लिखा क्रोमिल क्लोराइड, लिखा फर्स्ट तुमने क्रोमिल क्लोराइड से कराई और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा, तो डायरेक्टली तुमको बेंजाल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएजेंट जो अपन यूज कर सकते हैं, दैट इज क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। ठीक है, साथ में यूज करेंगे अपन एसिटिक एनहाइड्राइड। अगेन पहले जैसा ही सिमिलर सा अपने को इंटरमीडिएट मिलेगा, ये बेंजीन रिंग है, इस पे CH है और दो ये लगे हुए हैं OC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, जब अपन इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अगेन अपने को बेंज एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो इटार्ड रिएक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो तुम कितनी बार पूछी हुई है, और भी बहुत बार पूछी हुई है अलग अलग सेट्स के अंदर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज बाय साइड चेन क्लोरिनेशन। तो मेरे पास टोलुइन है, ठीक है, वी हैव दिस टोलुइन, और इसको इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरिनेशन करा गया, तो यहां पे
दो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के क्लोरीन लग गए, और जैसे ही अपन ने उसका हाइड्रोलिसिस करा अपने को मिल गया बेंजाल्डिहाइड. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन जेईई मेन आल्सो. ओके, नेक्स्ट इज बाय गेटमैन-कॉच रिएक्शन, वेरी स्पेसिफिक टू प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन. ठीक है, तो अपन इसमें क्या यूज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट AlCl3. तो अपने को बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड मिल गया. अब अपन देख लेते हैं कुछ मेथड जो कि स्पेसिफिक टू कीटोन्स है. क्या, तो सबसे पहले फ्रॉम एसिल हैलाइड. ठीक है, अपन ने जब एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन देखा था स्पेसिफिक, वहां पे भी अपन ने सबसे पहले देखा था बाय एसिल हैलाइड. ठीक है, क्या नेम रिएक्शन थी, रोजेन मन रिएक्शन, जहां पे अपन उसका हाइड्रोजनेशन कर रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट पैलेडियम जो कि पॉइजन था बेरियम सल्फेट से. अब देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने के लिए अपने को डाई एल्किल कैडमियम चाहिए. ठीक है, डाई एल्किल कैडमियम. अब देखेंगे ये डाई एल्किल कैडमियम अपन को कैसे मिलता है, तो अपन रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे RMGX, इसकी कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपने को डाई एल्किल कैडमियम मिलेगा. नाउ दिस डाई एल्किल कैडमियम विल रिएक्ट विथ एसिल क्लोराइड टू गिव कीटोन. ठीक है, पैरेलल चल रहे हैं, वहां पे भी एसिल क्लोराइड था, यहां पे भी एसिल क्लोराइड था, वहां पे रोजेनमन रिएक्शन थी, यहां पे अपन कैडमियम क्लोराइड से पहले अपन बना रहे हैं डाई एल्किल कैडमियम, और डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन करा रहे हैं अपन एसिल क्लोराइड के साथ टू गेट कीटोन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स. नाइट्राइल्स, वहां पे भी नाइट्राइल्स था, वहां पे क्या यूज किया था अपन ने फॉर एल्डिहाइड, स्टीफन रिएक्शन और डाइबल एच. यहां पे देखो अपन क्या करेंगे, जो अपने पास नाइट्राइल है इसकी रिएक्शन अपन RMGX के साथ कराएंगे, रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अपन रिएक्शन कराएंगे और अपने को ये इंटरमीडिएट मिला. ठीक है, अब इसका जब अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपने को मिलेगा कीटोन. ठीक है, वी विल डू द हाइड्रोलिसिस ओवर हियर एंड वी विल गेट कीटोन. ओके, लास्ट मेथड देख लेते हैं, इट इज फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन. खूब बार ये रिएक्शन देख चुके हैं अपन. यहाँ पे अपने पास एक एरोमेटिक रिंग होती है, एसिल क्लोराइड या एनहाइड्राइड लेते हैं अपन. ठीक है, और इसके अंदर ये वाला जो ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से जाकर के अटैच हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. नाउ दिस हैज बीन ऑल्सो आस्क सो मेनी टाइम्स रिएक्शन के, जैसे पूछ लिया गया कि भाई बेंजीन से आप बेंजोफिनॉन कैसे बनाओगे, एसिटोफिनॉन कैसे बनाओगे, देन दिस इज द रिएक्शन. ठीक है, अच्छे से ध्यान रखनी है अपने को. तो आज अपने खूब सारी नेम रिएक्शन देखी है जो कि डायरेक्टली ऐसे कैसे बोर्ड्स में पूछ ली जाती है या फिर रिएजेंट्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि प्रोडक्ट क्या होगा. ठीक है बच्चों, तो अपने यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड सारे खत्म हुए, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. ओके, सो लाइक द वीडियो. ओके, शेयर करो इसको, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना. ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों.